मेरी भाव को आपने समझा ना, मैं क्या तालीम देना चाहता हूँ? मैं ये तालीम नहीं देता। तुम गृहस्थी हो, मैं तुमको कहता हूं हम गुरुओं के आगे मत लुटो। तुमने मेरा क्या देखा? मैं चोर हूं कि डाकू हूं, मैं क्यों आया हूं? आप क्या जानते हैं? आपने मेरा क्या देखा? 10 आदमी कह दिया कि हाँ बाबा मेरे अंदर प्रकट हो गया, बाबा बाहर करने वाला है, तो आपने बाबे को संत समझ लिया। जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है। जिसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो संत नहीं है। तुम अपने आप को देखो, रात को सपने में तुम्हारी औरत तुम्हारे सामने आ जाती है, सुबह उससे पूछो सपने में तुम्हारे अंदर गई थी? तुम्हारा लड़का सपने में तुम्हारे अंदर सपने में आ जाता है, सुबह पूछो उस लड़के को तू सपने में गया था? किसलिए बेवकूफ बन के लुटे जाते हो? क्यों? मैं इसी वास्ते इस दुनिया में आया हूं अवतार लेकर कि सच्चाई संत मत की बता जाऊं। गुरु जहां भी सत्संग मिलता सुनो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो, जो बात अच्छी लगती है उसको कबूल करो। बाकी रहा ये देना लेना, तुम जिस श्रद्धा से किसी बदमाश को भी दे दो, वो खाए शराब भी पी ले, क्योंकि तुमने अपनी तरफ से नेक नीति से दिया है, तुमको उसका फल मिल जाएगा। अब मेरे भाव को आपने समझा मैंने क्या कहा है आपको? तो शर्त पहले क्या है, ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी। इसके मैंने ये नहीं कि औरतों को जवाब दे दो, इसके मैंने ये नहीं कि पुत्रों से मोह न करो, सिर्फ उनमें फंसो नहीं। आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं? औरत औरत की जगह, भाई भाई की जगह, माँ माँ की जगह, बाप बाप की जगह, अपना धर्म पालो। कबीर ने सब कहा है, दया धार धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर अविनाशी, सहे को शब्द बात को त्यागे, छोड़े मान घुमाना, सतनाम ताही को मेरे कहे कबीर सुजाना। तो ये है गृहस्थियों के लिए। अब समझ गए मेरी बात को? तो जब तक ये शर्तें किसी की पूरी नहीं हुई तो मैं अभ्यास नहीं, मेरा अभ्यास नहीं बनता था। बसने बगदाद में बना, उस वक्त ही मेरी फोटो देखो तुम, लोग देख के मंदिर में लगेंगे, देख के हैरान हो जाते हैं। जब मैं घर में फंसा, जो तो मैं औरत के पास सिर्फ अपने संतान के लिए जाता, कोई पाप नहीं, संतान नहीं है, स्त्री पुरुष मेल खाते हैं संतान के लिए, तो कोई पाप नहीं। अब अगर मुझसे पूछा जाए, सच्ची बात कहूं, दुनिया मानने को तैयार नहीं, गलतियां मैंने भी खाई। संतान को जो संतान के ख्याल से नहीं पैदा करते वो पापी है। हमने शराब पी हुई है, मस्ती में आए हुए हैं, बच्चा पेश में आ जाता है, क्या पता है कि वो बच्चा डाकू बनेगा कि चोर बनेगा कि कैंसर से मरेगा कि टीबी से मरेगा या उसको क्या होगा? तो हम जब ऐसी औलाद पैदा करते हैं, क्या हम समझदार हैं? क्या हम जिम्मेवार नहीं हैं? मैं अमेरिका में गया, वहाँ एक अमेरिकन आया, उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं। स्टैटिस्टिक जानते हो ना, यानी वो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, यानी संख्या दी है। हाँ, संख्या दी है कि जितने आदमी खूनी चोर डाकू पकड़े गए, जिनको कैद हुई, उनकी माओ से पूछा गया कि तुमने इसको पैदा किया? वो कहने हमने पैदा नहीं किया, जबरदस्ती आ गया हमारे पेट में। ये उन्होंने स्टैटिस्टिक लिए हैं अमेरिका वालों ने, एक अमेरिकन ने मुझे, मैं वहाँ लेक्चर दे रहा था तो उसने मुझे कहा कि आप जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, अगर हमारी औलाद आज नालायक है तो मैं ये कहूँगा कि हम नालायक। मैंने एक लड़का सिर्फ इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक औलाद के ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक ये मौका नहीं आया
कि मैं उसको थप्पड़ क्या मारना वह कहूँ। अब 28 साल का है, कभी मेरे सामने नहीं हुआ, बात करता है मेरे सामने आंख से आंख मिला के बात नहीं करता, सिर नीवा करके करता है। आप समझ रहे हो, एक लड़की मेरे पहले पैदा हुई, मैं मजहबी दुनिया का आदमी था, तो मैंने दादा को भी देखा, मैंने कहा मेरे ऐसी औलाद हो जो ना कामी हो ना क्रोधी हो ना लोभी हो ना मोही हो ना मान, जैसे ऐसी किताबों में लिखा हुआ है ऐसी बातें हम सुना करते थे। नतीजा उसे कहने के लड़की हुई, खामद ने उसको बसाया नहीं, नीम उन्मत है, पाई जाता है सुर तो ये कपड़े ले ले पैसे ले ले, मेरे पास बचे हैं पर तो मैं नहीं लेने। मुंह का ये हाल है, उसकी माँ मर गई, जब अपना खून का आदमी आता, अपना खून का आदमी बिरादरी का जो खून का था, तब तो वो स्यापे में खड़ी हो जाती, अगर कोई दूसरा आदमी आता हो स्यापा कर, मैं उन्हें पूछा सुर तो क्यों नहीं जानी, रह अब बाहर रहा मैं तो कान रोना, माँ मर गई ता क्यों मैं भी नहीं मर जाना, सारे ने मर जाना। अब मेरी बात को समझे इस गाल को, देखो मैं ये भाषण अपने घर का मुंह काला करके तुम लोगों को देना चाहता हूं। मेरी एक लड़की है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की औरत है, पढ़ी लिखी है, स्कूल में मास्टर भी रही है, जब माँ उसे कोई बात कहती तो वो उसको जवाब देती, उसके कोई बात कह देती उसको अपोज कर जाती। तो मेरी औरत ने कई दफा मुझको कहा कि तुम लोगों को उपदेश करते लड़की को उपदेश नहीं करते। वो लड़की मेरे पास आई एक दिन, मैंने कहा बेटी माँ शिकायत करती है क्या हो गया तुमको, वो रो पड़ी, कह रही पिताजी कभी मेरी कोई शिकायत सुनी, मैंने कहा जी नहीं नहीं सुनी, कहने की पता नहीं मुझे क्या हो जाता माँ को कह दिया मेरे मुँह को निकल जाता। अब वो क्यों ऐसा करती थी, मैं आप लोगों को सत्संग दे रहा हूं, मेरे औलाद थी ना, मैं चाहता था औलाद ना मेरी औलाद चाहती थी, मैं कामी हुआ, आध घंटा तक मैं अपने मन के साथ लड़ता रहा, आखिर मन ने मुझे काबू कर लिया, लड़की पेट में आ गई। मुझे याद है पहले 2 महीने मेरी औरत ने दवाई खाई के अभाषण हो जाए, हुआ नहीं। अब जिस बच्चे को माँ वेलकम नहीं करती, तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो बच्चा तुम्हारी ताबेदारी करेगा। ये है जो मैं तालीम देना चाहता हूँ दुनिया को, जिसके लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ अवतार लेकर। काश जितने गुरु हैं जितने मजहब हैं अगर ये जीवों को सच्चाई की तालीम देते तो इनकी जिंदगियां बदल जाती। ये लोग तो सिर्फ नाम 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 का अधिकारी है कौन, नाम का अधिकारी है कौन मुझे बताओ तो सही। ये तो दुनिया में एक दे दिया गया बीज डाल दिया गया, चलो किसी वक्त किसी आपने बुलाया मुझसे सत्संग कराने के लिए कहा, अब मैं अपनी आत्मा को साफ रख के सत्संग करा जाना चाहता हूँ, आपकी मर्जी हो सुनना हो सुनो नहीं तो चले जाओ, आपका जी चाहे उस पर अमल करो, आपका जी चाहे उस पर अमल ना करो, आपका जी चाहता मेरी को किताब पढ़ो, आपका जी चाहता मेरी को किताब ना पढ़ो, आपका जी चाहता 4 पैसे मंदिर में भेजो, आपका जी चाहता मत भेजो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने कहा तो काम क्रोध लो मोह, अगर तुम क्रोध छोड़ दोगे जाओगे कहाँ, आप समझ गए मेरी बात को कि नहीं। इसका जैसा योग व्यवहार करना सीखो, हमेशा मेरे पास आप देखो एक शख्स है उसके पास 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे रखने के बाद भी वो भोग करता रहता है, वो मुजरम है। औरतें सिर्फ औलाद पैदा करने के लिए हैं, न कि विषय कमाने के लिए।
जो आदमी इस, तुम देखो कोई जानवर ऐसा नहीं जो फीमेल हो, वक्त के पहले ना वो मादा नर को नजदीक नहीं आने देता और ना नर मादा के नजदीक जाता है, मगर एक इंसान है जो ना सुबह देखता है ना शाम देखता है ना दिन देखता है ना रात देखता है, और फिर ये उम्मीद करता है कि मेरा अभ्यास बन जाए। अभ्यास कैसे बनेगा, आगे पढ़ो। धोती नीति वस्ती पाओ, आसन पद्म जुगद से लाओ, कुंभक कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कार्य हो सारा है। मूल अभ्यास का क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तुम्हारे काबू में रहे। जरूरत के वक्त काम की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त क्रोध की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त लोभ की भी जरूरत है, जरूरत के वक्त मोह की, मगर इनमें फंसो नहीं और फिर ज्ञान के घोड़े पर सवार हो जाओ। ये तो कबीर को पता होगा कौन सा ज्ञान वो दुनिया को देता है, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, जो ज्ञान मैंने सीखा वो बताता हूँ। जब से मुझे ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, तो जो कुछ भी मेरे अंदर में संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, भाव उठते हैं, मैं जानता हूं कि उनमें असलियत नहीं है, ये सिर्फ सजेशन एंड इम्प्रेशन है। कभी जब मैं इस ज्ञान को भूल जाता हूं तो मैं भी फंस जाता हूं। मैं ज्ञान घोड़े सवार ये समझता हूं, क्यों, जब से मुझे ये पता लगा तो आगे अभ्यास मेरा बनता भी था फिर गिरता भी था, बनता भी था गिरता भी था, अब मैं गिरता नहीं जागृत में। क्यों नहीं गिरता, मैं मन के अंदर जो संकल्प उठता है किसी वक्त उसको मैं समझता हूँ ये तो है ही नहीं, माया है, नहीं समझ में आती है, मैं इसको ज्ञान समझता हूँ। काश अगर कभी होता तो मैं उसको पूछता कि तू बता तेरा ज्ञान क्या है, मुझे नहीं पता। जो जिस ज्ञान ने मुझको उस मंजर तक पहुँचाया वो उस मंजर तक मैं ठहर नहीं सकता अभी तक, मगर बात मैंने सच्चाई बता दी। इस वास्ते नौजवान आदमी मेरे पास आते हैं, अभ्यासी मर्द आते हैं, मैं उनको कहा करता हूँ लिव एट द डिजायर ऑफ योर वाइफ। अगर औरतें आती हैं उनको कहता हूँ लिव एट द डिजायर ऑफ योर हस्बैंड, चूंकि तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है तुमको उसके जमे कोई पाप नहीं। अब आप मेरे भाव को आपने समझा नहीं समझा, चूंकि तुम्हारी अपनी ख्वाहिश नहीं है इसलिए तुम्हारे पर कोई पाप नहीं। ठीक, अगर अपनी ख्वाहिश रखोगे तो गलती है। आगे मूल कमल दर चतुर बखानो, कलिंग जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तैरो पाथानो, रिद सिद्ध चमर ढुलारा है। ये खट चक्रों का हाल है जी। ये खट चक्रों का हाल है जी। ये जिस्म जो है ये मन की नकल है, मन जो है ये आत्मा की नकल है, आप समझिए मेरे भाव को कि नहीं। इसी तरह से ये सब छाया है, ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब पढ़ते जाओ आगे। स्वाद चकर खट दल विस्तारो, ब्रह्म सवित्री रूप निहारो, उलट नागनी का सिर मारो, तहां शब्द ओंकारा है। एक शब्द तो यहाँ ओंकारा है, एक शब्द यहाँ ओंकारा है, उसकी नकल है ना, नकल है। अब आप समझिए मतलब मेरा, नहीं उसका प्रतिबिंब। मैं आपको संक्षेप से बताता हूं, हर एक चीज की तीन हालतें हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जिस्म की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तो आप जानते ही हैं, मन की जागृत स्वप्न और सुषुप्ति,
सहजन केवल मन की जागृत, त्रिकुटी मन का स्वप्न, सुन मन की महा की गहरी नींद की आ जाएगी। आप समझते मेरा मनी। आगे आत्मा भंवर गुफा मन की जागृत की अवस्था, साथ स्वप्न की अवस्था, अलख गहरी नींद की अवस्था, इनसे परे तुम्हारा अपना स्वरूप है, निज स्वरूप जिसको कहते हैं, निज अनुभव जिसको कहते हैं, अपने सेल्फ की कॉन्शियसनेस का सुपर मोस्ट कॉन्शियस का नाम है। यही स्वामी जी ने लिखा है, जग जागृत बहु दुख मूल, सुपना भी है तेरे सूल, सुषुपति घर कुछ कुछ आराम, ये भी नहीं है ठहरन धाम। तब वो कहते मैं सोच करी अति भारी, कोई कर ऐसे शब्द हैं, तब सदगुरु आन संभारी, उससे भी आगे गाया, उससे भी आगे बताया, उससे भी पार दिखाया, ऐसे ऐसे शब्द आपने वाणी में पढ़े हैं ना, यही धाम ने धाम कर रखा, उसको गुणों बराबर ना आएंगे वो। ठीक, आप समझ गए मेरी भाव को कि नहीं है। तो इन दर्जों से गुजरने के लिए जिन्होंने घर पहुंचना है, संतों ने खट चक्रों का साधन बंद कर दिया। मगर खट चक्र का साधन दुनिया की जिंदगी, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। अब आप मेरे भाव को समझे ना, तुम्हारा शरीर है, अगर तुम व्यायाम नहीं करोगे किसी हद तक, तुम्हारा शरीर स्पष्ट नहीं रह सकता। इस वास्ते इसको ज्यादा तरजीह ना देते हुए अपने जिस्म को ठीक रखने के लिए व्यायाम या हठ योग, जो कुछ भी आदमी करना चाहता है वो जरूर करे। आगे पढ़ते जाओ। ना भी अट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु बिराजा। अब देखो यहाँ तो सेत सिंहासन विष्णु बराबर कह दिया, वहाँ ऊपर क्या है, सेत सिंहासन छत्र बिराजे। हाँ जी, बात ये उसका अक्ष है। ठीक है जी, अब समझिए मैं, ये उसका अक्ष है। ठीक, आगे रंग जापता सुमुख गाजा, लक्ष्मी शिवाधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहंग शब्द ता धुन चाई, गान करें जय जयकारा है। सुमंग एक यहाँ है, एक ऊपर है, नहीं समझ में आती है आपके, नकल है जी, उसकी नक्स नकल है। ये बेचारे क्या समझेंगे, आप तो समझदार हैं, इसलिए आपको सत्संग करा रहा हूँ। शर्मा जी ने कहा था कि मुझे अंतर का हाल बता दो, मैंने आपको बता दिया कि जब तक आपका इखलाक ठीक नहीं है। ये बड़े प्रेमी सत्संगी है जी, बहुत प्रेमी सत्संगी, सत्संगियों से प्रेम करने वाला प्रेमी सत्संगी नहीं है। लोगों को रोटियां खिलाने वाला, पचास पचास आदमियों को सत्संग में रोटी खाने वाला प्रेमी सत्संगी किसे कहते हैं, जो सत के साथ संग रखता है। मेरी उम्र गुजर गई सत को छूटते छूटते, सत ये वो है जो हमेशा रहता है, कभी कम बेश नहीं होता। तुम्हारा शरीर हमेशा नहीं रह सकता, इस वास्ते ये सत नहीं है। तुम्हारे मन के ख्यालात हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते, इस वास्ते वो सत नहीं है। तुम्हारे अंदर प्रकाश पैदा होता है, वो हमेशा नहीं रहता, इस वास्ते वो सत नहीं है। तुम्हारे अंदर शब्द पैदा होता है, वो भी 24 घंटे तुम्हारे साथ नहीं रहता, वो भी सत। कौन चीज़ है वो जो तुम्हारे अंदर शब्द को सुनती है और प्रकाश को देखती है और मन को अंदर रहती, मन के अंदर देखती है, और जो जिसम में रहती हुई जिसम की साक्षी है, उसका नाम है सत। जो अपने जात में, अपने आप में, अपने आप अपनी जात से प्रेम करता है, उसका नाम सत्संगी है। असली और सच्चा सत्संगी सत कौन है, तुम्हारा अपनी ही जात है। वो चीज सत है जो तुम्हारे अंतर में रहती हुई रूप को देखती है, प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती है, अन्य शब्द को सुनती है,
वो और चीज है, शब्द और चीज है, प्रकाश और चीज है। जो आदमी अपने ही जात में मालिक को, गुरु को अपने ही जात समझता है, गैर नहीं समझता, वो सत्संगी, मगर वहां तक नहीं पहुंच सकता। इस वास्ते उसको, उस अकाल पुरुष को हम गुरु के रूप में मानते हैं। शुरू शुरू में हम गुरु के रूप में उसको पूर्ण मानते हैं। तो जब तक हम गुरु के रूप को पूर्ण मान रहे हैं, वो पूर्ण है या क्या नहीं, इसका कोई सवाल नहीं। उसको जब तुम पूर्ण मानते हो, मनने की गत कहीं न जाए, तुम वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं भी है, कुछ भी करता है, अगर तुम्हारा विश्वास उसके ऊपर अटल है, तुम उसको पूर्ण मानते हो, तुम पहुंच जाओगे। किस तरह से? इस तरह एक औरत है, वो खाए बदमाश है, खाए लड़ाकी है, खाए जो कुछ भी कर दिया, मगर जो उसका बच्चा है वो उसको माँ समझता है। जब वो उसको माँ समझेगा, उसके दिल में कोई दूसरा ख्याल नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो वो चूंकि उसका यकीन है कि वो औरत माँ है, हालांकि वो माँ शायद दुराचार नहीं हो, माँ शायद क्रोधन हो, माँ शायद लोभन हो, मगर उसका जो के विश्वास है कि वो माँ है, उसके दिल का भाव और होगा। दूसरा उसी औरत को बहन समझता, उसका भाव और होगा। तीसरा उसी औरत को अपनी औरत समझता, उसका भाव और होगा। तो ये जितना खेल है सब तुम्हारे अपने विश्वास का है। इस वास्ते बाहरले गुरु की संगत जो है उसको पूरा मान लेना ही सर। बाजे वक्त ऐसा होता है, गुरु अगर अधूरा भी है, चेला अगर सच्चा पूरा है, उसका ख्याल गुरु को भी पूर्ण कर देगा। कबीर साहब की मिसाल है जी, रामानंद जी। हाँ, कबीर साहब लेके गए रामानंद। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक प्रवचन है, वो मेरे पास आया था। वहाँ वो एक कबीर पंथी के पंथ मठ में गया, वहाँ एक और बड़ी मस्त रहती थी, बड़ी आनंद में रहती थी, और उसको मिला। उनका माता जी किसी की नाम जब दियो, उनके महाराज मैंने तो गोरा ने नाम देते है, बकरी की तीन टांग मैं जप रही हूँ, बकरी की तीन टांग, बकरी की तीन टांग, बकरी की तीन टांग। अब बड़ा हैरान हुआ, उसने उस मन से पूछा, उन्होंने कहा मैं ही कर रहा, रोज मैं तंग कर दी, मैं नाम दियो नाम दो, मैं एक दिन गुस्से जा गया, मैं कह जा नाम नाम बकरी की तीन टांग। अब उसका विश्वास था, वो बकरी की तीन टांग करते करते यही गुरु गोविंद सिंह साहब का वक्त है, कोड़े चले जाने सर, भाई बेला आया, उन्हें नाम मंगया, उन्होंने कहा भाई बेलिया ना देखे वक्त ना देखे बेला। उसने उनके इन लफ्जों को ही समझ लिया, भाई बेलिया ना देखे वक्त ना देखा बेला, उधर की हार गया। ये जितना खेल है सब तुम्हारे विश्वास का है, मैं तुमको धोखा नहीं दे रहा। मुझको पूजने से, मुझको सोने से तोल देने से, मुझको कपड़े देने से, मुझको मत्था देखने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये हमारा सोशल लॉ है, हमारी सोसाइटी सब बताए। अब यहाँ तो ये सब बताए का मत्था देखने, मैं अमेरिका गया, अंग्रेज आने तो तीमिया ने मेरे मुंह चुम चुम गलाई सारी पर उनका रवाज ये है, वो इज्जत इस बात में समझते हैं कि किसी का मुंह चूमा जाए, इसका मतलब है कि वो उसकी इज्जत करता है। नहीं तो आपकी समझ में आई, मैं गया हूँ ना वहाँ, 2000 कम से कम मुझे गुरु मानते हैं मर्द, और वो जेरी भी आवे चलने लगे जफी पाए मेरे मुंह चुमे, जेरी भी आवे आदमी आवे था जो जनानी आवे था मेरे मुंह चुमे। अब ये उनका उनका है सभ्यता है, हमारी ये सभ्यता नहीं है, हमारे हिंदुस्तानियों की ये सभ्यता नहीं है। हमारे तो हाथ बांध के मार जैसे पैरी पौना कह देने हैं, या सर सिर या कार कह देने हैं, या राह में कह देने हैं, या नमस्ते कह देने। तो ये सभ्यता है, इन बातों में कुछ नहीं रखा हुआ, समझ गए मेरी बात को कि नहीं। तो जब ये दर्जे पास हो जाते हैं, खट चक्कर संतों ने खट चक्करों का निषेध कर दिया, तो वक्त को जाया करना है,
खर्च करों का साधन करने वाला अपने घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर से जो गलाफ है जिस्म का, यह दूर नहीं होता। फिर उन्होंने मन का साधन बनाया, शुरू से यहाँ से शुरू करो, बजाय गुदा के चक्कर से चलने से यहाँ से शुरू करो। द्वादश कमल हृदय के माई, जंग गौर शिव ध्यान लगाई, सोहंग शब्द ता धुन चाई, गान करें जय जयकारा है। मैंने तुमको बोला कि ये खर्च चक्र में सोहंग है, और हमारे यहाँ सोहंग यहाँ है, वो ये उसकी नकल है। आगे दो दल कमल कंठ के माए, ते मद बसे अविद्या माए, हरि हर ब्रह्मा चमर ढुराए, जय श्रृंग नाम उचारा है। जो जहाँ साधन करते हैं उनको इस किस्म के शब्द सुनाई देते हैं। आगे मैंने नहीं सुने क्योंकि मैंने साधन यहाँ से शुरू किया। आगे तापर कंज कमल है भाई, बग बोरा दो रूप लखाए, निज मन करत था ठकुराए, सो नैनन छिपवारा है।